छत्तीसगढ़ के दुर्ग से दुबई तक पहुंचने वाले सट्टा किंग सौरभ चंद्राकर की हाल ही में शादी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सौरभ चंद्राकर जिनकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, इनकी शादी का वीडियो सामने आते ही इस पर पूरी नेशनल मीडिया बात कर रही है। एक जूस बेचने वाला व्यक्ति रातों रात करोड़ों का मालिक कैसे बना, जिसने सिर्फ 3 सालों में 15,000 करोड़ की कंपनी कैसे बना ली। तो कौन है सौरभ चंद्राकर जिसके पीछे पूरी छत्तीसगढ़ की पुलिस हाथ धोकर पड़ी है। सौरभ चंद्राकर के दुर्ग से दुबई तक पहुंचने की पूरी कहानी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो नमस्कार, जय जवाहर। इंफोसोनिक के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सौरभ चंद्राकर भिलाई में रहकर जूस कॉर्नर चलाता था। इसके बाद वह ऑफलाइन सट्टा के कारोबार में शामिल हो गया। फिर जब कोरोना काल आया तब वह ऑफलाइन सट्टा का कारोबार बंद करके हैदराबाद के किसी ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले व्यक्ति से मिला और फिर वहां से इसने ऑनलाइन सट्टा की ट्रेनिंग ली। इसके बाद से धीरे धीरे सौरभ ने ऑनलाइन सट्टा का कारोबार दुर्ग से पूरे देश में फैलाया और करोड़ों रुपए जमा करवा दुबई में जाकर बैठ गया। अब सौरभ चंद्राकर दुबई में ही बैठकर पूरे देश में ऑनलाइन सट्टे का करोड़ों का कारोबार चलाता है। सौरभ चंद्राकर महादेव ऐप का ओनर है और दुबई में ही अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाकर वहीं से इसे ऑपरेट करता है। अब दुर्ग पुलिस महादेव ऐप के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है। इससे जुड़े 300 से भी ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं जो पूरे भारत में इस ऐप से सट्टा लगवाते थे। अभी ईडी की कार्यवाही में कई बड़े खुलासे किए गए, कई बड़ी जानकारियां सामने आई और इसके साथ 417 करोड़ रुपए नगद भी बरामद हुआ। साथ ही सौरभ चंद्राकर की शादी का वीडियो भी लीक हुआ जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी शामिल हुए थे। इस शादी में 200 करोड़ से भी ज्यादा नगद रुपए खर्च किए गए थे। मुंबई की कई बड़ी कंपनियों को शादी के लिए हायर किया गया था। शादी में शामिल हुए सभी सेलिब्रिटी को कैश में ही पेमेंट किया गया था, जिसमें नेहा कक्कड़, नुसरत भरूचा, आतिफ असलम, सनी लियोनी, राहत फतेह अली खान, भाग्यश्री, विशाल दत्तलानी, टाइगर श्रॉफ, भारती सिंह, सुखविंदर सिंह, कृष्णा अभिषेक जैसे बड़े आर्टिस्ट इसमें शामिल हुए थे। ईडी ने साफ साफ कह दिया है कि इस मामले में अगर जरूरत पड़ी तो इन सभी से पूछताछ की जाएगी और भिलाई पुलिस का कहना है कि इस मामले में वो उचित कार्यवाही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इसमें सीएमओ से जुड़े कई मंत्री और राजनेता इसमें शामिल थे। सीएम भूपेश बघेल के बहुत करीबी माने जाने वाले ओएसडी का भी नाम इसमें शामिल बताया जा रहा है। खैर, अब मामला ईडी के हाथ में है और ईडी के निशाने पर अभी बघेल सरकार है। अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव भी होने वाले हैं तो देखते हैं इस मामले में कहां तक कार्यवाही हो पाती है। ऑनलाइन सट्टा ऐप चला था अभी छत्तीसगढ़ में भयंकर। आप बोले भी रहो कि डीजीपी आदेश करो कि जल्दी से जल्दी कर लिए कानून बनाया जाए करके। महादेव बुक है अभी हमारे छत्तीसगढ़ में भिलाई में, ओकर लिए कुछ अभी तक अपडेट हुई आगे? एक बहुत जन की गिरफ्तारी हुआ है और पूरा देश भर में पहली घटना है, जबकि देश भर में अभी फेसबुक और हम निकाल के देख ले तो सब एडवर्टीजमेंट आते हैं। भारत सरकार में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, भारत सरकार ने नियम कानून भी बनाना चाहिए, कड़ा कानून भी। तो आप सभी के इस पर क्या विचार है कमेंट जरूर कर देना और छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हम मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।